जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे MP ITI एडमिशन के बारे में। दोस्तों ITI के सभी छात्रों के लिए ज़रूरी जानकारी है, कुछ नियम हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जानना ये ज़रूरी है। अब दोस्तों क्या नियम है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए जानना ज़रूरी है, पूरी जानकारी को मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, जिससे आपको अच्छे से अपडेट मिल जाएगी क्या है, और आपको मैं अच्छे से समझा भी दूँगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, आपके जो भी हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि ITI के स्टूडेंट के लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा अलॉटमेंट आने वाला है 30 तारीख को, और आपको अलॉटमेंट के बारे में जो भी अपडेट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों आपका जो नाम आएगा वो 8वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों के आधार पर आ सकता है। अब 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के आधार पर कैसे आ सकता है, जिन स्टूडेंट ने ऐसी पोस्ट ऐसी ट्रेड सेलेक्ट किए हैं जो 10th क्लास से हैं उनका 10th क्लास से बनेगा, और जिन्होंने 8वीं क्लास से ट्रेड सेलेक्ट किए हैं यानी कि जिनका कट ऑफ 8वीं से बनता है उनका रिजल्ट यानी कि अलॉटमेंट 8वीं क्लास से बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का 10वीं क्लास से होता है, और आपका मेरिट लिस्ट जो आया था जिसमें रैंक दिखाई दे रहा था वो भी 10वीं क्लास से आपको दिखाई दे रहा था, तो 10वीं क्लास के आधार पर आपने सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद में CTS, IMC, DST और प्राइवेट, अगर आपने CTS के लिए सिलेक्ट किया है तो CTS का आएगा, IMC के लिए किया है तो IMC, और DST के लिए किया है DST, और प्राइवेट स्टूडेंट के रूप यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए किया है तो प्राइवेट का आएगा, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसके आधार पर आपका आएगा। अगर आपने CTS के लिए किया है तो CTS का एक पोस्ट आएगा, अगर आपने IMC का किया है तो IMC का एक पोस्ट आएगा, DST का किया है तो DST का एक पोस्ट आएगा, यानी कि केवल और केवल आपने कितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए हों, आपने XYZ 15, 20, 50, 100 जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए, अगर आपने CTS के अंदर 10 कॉलेज सेलेक्ट किए तो उनमें से एक ही मिलेगा। अगर आपने IMC के अंदर 10 कॉलेज 15 कॉलेज 20 कॉलेज जितने भी सेलेक्ट किए हों उनको केवल एक ही ट्रेड मिलेगा IMC के अंदर। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। अब दोस्तों जब आपका अलॉटमेंट आएगा तो अलॉटमेंट में कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, देखिए इस तरह का आपको स्क्रीनशॉट में आपको बता रहा हूँ। जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो अलॉटमेंट में कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है यानी कि जो ट्रेड आपको दिखाई देगी, ये तो मैं आपको एक डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आपका आएगा तो केवल और केवल CTS या IMC या DST या प्राइवेट जो भी आपने सिलेक्ट किया हो उसके आधार पर ही आएगा। अब मान के चलिए दोस्तों आपका कोई एक कॉलेज आ गया, एक कॉलेज आपको मिल गया, ठीक है, तो उनमें से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे राइट हैंड साइड में ऐसे दिखाई देगा, इसमें से आपको चेक मार्क करना होगा। मान के चलिए आपको कोई एक कॉलेज लेना है, वहाँ पर चेक मार्क करना होगा। चेक मार्क करने के बाद में आपके पास में 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। क्या ऑप्शंस दिखाई देंगे कि मैं उपरोक्त चयन संस्थान और ट्रेड में प्रवेश लेना चाहता हूँ और अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आप इस कॉलेज में तो एडमिशन ले ही लेंगे, आप फीस भी जमा कर देंगे, लेकिन अगले राउंड जो सेकेंड राउंड होगा उसके लिए आप अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा, आप इसमें फीस तो जमा कर ही देंगे, लेकिन वो अपनी पसंद का नहीं है, लेकिन आप फीस जमा कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि हमें अपग्रेड करना है, अपग्रेड में हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए और जो हमारी फीस होगी तो बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाए, अपग्रेड में ये होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों केवल और केवल इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और मुझे अपग्रेडेशन नहीं करना है तो फिर सेकेंड वाला सेलेक्ट करना, और दोस्तों आप ये चाहते हैं कि मैं अगले राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूं और इस राउंड में एडमिशन नहीं लेना चाहता, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपका कॉलेज आपके मनपसंद का कॉलेज नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको जो कॉलेज मिला है यहाँ पर चेक मार्क करना और वो आपकी पसंद का कॉलेज है तो फिर आप सेकंड वाली लिंक का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद का भी है और नहीं भी पसंद का, यानी कि आप इसमें फीस जमा कर रहे हैं, आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे जो दूसरा राउंड आएगा सेकंड राउंड आएगा
उसमें भी एक बार ट्राई करना है, यानी कि अगर सेकंड राउंड में मेरी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड राउंड में अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा तो ये फीस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर कन्फर्मेशन का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, इसमें आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको फिल करना होगा और फिल करने के बाद में ही आपके सामने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा तब तक ये आप प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाना होगा। जाकर के आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कॉलेज में जाना होगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा अलॉटमेंट लेटर लेकर के अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाएंगे। वहाँ पर आपके जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे और वेरीफाई होने के बाद में ही दोस्तों आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी, यानी कंप्लीट मानी जाएगी। आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया भले ही, लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो तब तक आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, कैंडिडेट के जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, उसके बाद में कैंडिडेट को यानी कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के जो कि लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपके पास में फीस सबमिट करने का ऑप्शंस इनेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप अपनी फीस जमा करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर लेते हैं, फिर आपको एक लेटर डाउनलोड करना होगा, प्रिंट एडमिशन लेटर। प्रिंट एडमिशन लेटर यानी कि फीस सबमिट होने के बाद में आपके सामने एक फाइनल लेटर आएगा, उसी आपको डाउनलोड करना है। उसको आपको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना है, ठीक है। 4-5 प्रिंट आउट इसके निकाल कर रख लेना, और इसके बाद में आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट कर दिया गया है उस कॉलेज में फिर से आपको जाना पड़ेगा, और आपने जो फीस जमा की है उस फीस वाले लेटर को ले जाकर अपने कॉलेज में जमा कर देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये लेटर कॉलेज में जमा कर देंगे, आपके लॉगिन पेज पर अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है और आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड पर एडमिटेड का मार्क दिखाई देगा। यानी कि इस तरह से आपको एडमिटेड का मार्क दिखाई देगा और इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, आपका अगर कॉलेज में नाम आ जाता है तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझा दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जो कॉलेज आएगा उसे सिलेक्ट करना, इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, मैंने आपको बता दी इन तीनों ऑप्शंस में से क्या करना है आपको, जो आप पर डिपेंड करता है। सबमिट करना। सबमिट के बाद में आपके पास में कन्फर्मेशन पॉपअप विंडो आएगा, उसे कन्फर्म कर देना। कन्फर्म करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP फिल कर देना। फिल करने के बाद में आपके पास में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस अलॉटमेंट लेटर को आप प्रिंट आउट कर लेना। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करने के बाद में आप अपने कॉलेज में जाना, कॉलेज में जा करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं फिर से आपको अपने MP ऑनलाइन शॉप पर जाना है, या खुद से भी कर सकते हैं। आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन करना। पेमेंट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, अपना पेमेंट कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है तो आपके पास में एक प्रिंट एडमिशन लेटर है वो आएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जा करके उसे जमा कर देना। जमा करने के बाद में क्या होगा, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से चेक करोगे तो वहाँ पर एडमिटेड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको, वीडियो को शेयर कर देना जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ओके। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलता है कई वीडियो में एक और जानकारी के साथ, अब तक लिए बाय।